हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग फिजिक्स में गति के जो तीन समीकरण बताए गए थे उसी के सत्यापन के बारे में अध्ययन करेंगे। न्यूटन ने गति के तीन समीकरण बताए थे। पहला समीकरण था v बराबर u प्लस at, दूसरा इक्वेशन था s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। एक इक्वेशन पहला है, इक्वेशन क्या है, दूसरा है, तीसरा है। न्यूटन ने गति के समीकरण, गति के समीकरण, पहला समीकरण v बराबर u प्लस at, v को अंतिम भी बोला जाएगा, u को प्रारंभिक भी बोला जाएगा, a से एक्सेलरेशन त्वरण है, t से टाइम क्या हो गया, समय हो गया, s हो गया चली गई दूरी, u को बोला जाएगा प्रारंभिक वेग, t से हो गया समय और a हो गया त्वरण, at स्क्वायर। पूछ सकता है कभी कभी गति के तीनों समीकरण लिखिए, तो पहला समीकरण हो गया v बराबर u प्लस at, दूसरा हो गया s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा समीकरण हुआ v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब संकेतों का अर्थ जान जाए, v को बोला जाता है अंतिम वेग, u को प्रारंभिक वेग, a को एक्सेलरेशन त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, t से क्या हो गया टाइम, टाइम मतलब क्या होता है समय, s से चली गई दूरी, a से होता है एक्सेलरेशन। इस प्रकार सभी संकेतों का अर्थ हम लोग समझ लेंगे। गति के तीन समीकरण होते हैं, v बराबर u प्लस at पहला समीकरण, दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा समीकरण क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों समीकरणों को हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। सबसे पहला समीकरण, पहला समीकरण को प्रूफ करने के लिए हम देखेंगे गति का प्रथम समीकरण। माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, प्रूफ मतलब होता है प्रमाण। गति का पहला समीकरण या गति का प्रथम समीकरण, इसका प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना किसी पिंड का प्रारंभिक वेग u है, या कोई वस्तु u वेग से चलकर, माना कोई वस्तु u वेग से चलना प्रारंभ करती है, माना कोई वस्तु u वेग से चलना प्रारंभ करती है, t समय बाद उनका वेग v हो जाता है, t समय पश्चात उसका वेग भी होता भी हो जाता है। देखिए भी हो जाता है मतलब कि कोई मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल चल रही है, तो पहले मान लीजिए 10 की रफ्तार में गई, तो शुरू वाला जो वेग होता है उसको प्रारंभिक वेग बोला जाता है और बाद के वेग को अंतिम वेग बोला जाता है, तो इसीलिए प्रारंभिक वेग यू संकेत दिखाया गया, टी समय में अंतिम वेग क्या होता है भी हो जाता है। हम इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले त्वरण की परिभाषा से, किसकी परिभाषा से, त्वरण की परिभाषा से, त्वरण की परिभाषा क्या है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर क्या बोलाता है त्वरण बोला जाता है, यहां लिखेंगे त्वरण की परिभाषा से, परिभाषा यह है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो हो जाएगा a बराबर वेग परिवर्तन बटा में समयांतराल, समयांतराल। देखिए त्वरण में क्या होता है, जब हम मोटरसाइकिल या किसी गाड़ी को चलाते हैं तो वेग परिवर्तित करते हैं, 70 का रफ्तार है तो बढ़ा देगा तो 80 हो जाएगा, तो वेग परिवर्तन बटा में समयांतराल, यही त्वरण की परिभाषा है। तो वेग परिवर्तन में क्या हो गया, अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग घटाएंगे, मान लीजिए कोई 10 की रफ्तार में चले गाड़ी, बाद में हो जाएगा 20 की रफ्तार में हो गई, तो वेग परिवर्तन क्या हुआ 20 माइनस 10, माने अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय अंतराल, ए इक्वल टू हो जाएगा वेग परिवर्तन मतलब होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग समय अंतराल। अब देखिए अंतिम वेग का संकेत क्या होता है, भी प्रारंभिक वेग का यू अपन समय का टी, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा
भी माइनस हमने एक का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, भी माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा एटी, ए में टी के गुणा एटी, तो भी बराबर क्या हो जाएगा यू प्लस एटी। पहला समीकरण का सोल्यूशन या प्रूफ हो गया। प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है तो आप लिखिएगा, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u या माना कोई वस्तु u वेग से चलना प्रारंभ करती है, t समय बाद अंतिम में क्या होता है, वेग v हो जाता है। अब लिखेंगे त्वरण की परिभाषा से, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर क्या बोला जाता है, त्वरण बोला जाता है। a इक्वल टू वेग परिवर्तन बटा समांतराल। वेग परिवर्तन कैसे निकाला जाएगा, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समांतराल। अंतिम वेग का संकेत हम बोले तो क्या होता है v, प्रारंभिक वेग का संकेत क्या होता है u, अंतिम वेग v रखेंगे, प्रारंभिक वेग u अपॉन t, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, v माइनस u इक्वल टू क्या होगा at, तो v बराबर u प्लस at। पहला सत्यापन हो गया है बहुत आसानी से, छोटा था बहुत, पहला आसान सिद्ध करने में आसान भी होता है, तो पहला ही प्रूफ हो गया v बराबर u प्लस at। अब दूसरे के बारे में हम लोग देखेंगे, गतिन के समीकरण तीनों का के पूछ देता है कि दूसरा समीकरण क्या है, तो दूसरा याद करना होगा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा तीसरा समीकरण हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। पहला समीकरण v बराबर u प्लस at। अब देखिए दूसरा समीकरण का प्रूफ कैसे किएंगे, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u और t समय बाद अंतिम वेग u रहता है। दूसरा समीकरण क्या लिखेंगे, दूसरा अब सिद्ध करना है इसमें क्या, s बराबर ut प्लस, ये थोड़ा इसमें थोड़ा सोचना और दिमाग दौड़ाना है। उसी तरह मानी किसी पिंड का प्रारंभिक वेग, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है u है, तथा t समय से वेग भी हो जाता है, t समय से वेग भी हो जाता है, और चली गई दूरी क्या हो जाती है, यस है, देखिए इसको सिद्ध करने के लिए सबसे आसान तरीका है, एक ही चीज हमको याद करना, उसके बाद सब साल हो जाएगा, ये तो वहां लैंग्वेज इसको लिख लिया जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे कि कुल चली गई दूरी s, चली गई दूरी यहीं से स्टार्ट करेंगे हल करना, कुल चली गई दूरी s इज इक्वल टू, इसका सूत्र होता है औसत वेग गुणे समय, इसका सूत्र क्या हुआ, औसत वेग इनटू समय। और इसको हमको ध्यान में देना, देखिए इसको सिद्ध करने के लिए इसी ही मेन चीज, इसको याद हो जाएगा तो सब हो जाएगा, स्टेप बाई स्टेप क्लियर हो जाएगा। अब एस बराबर औसत वेग, इसमें वेग कितने हैं, भी है एक यू है, दो वेग है, औसत बराबर होता है पदों का योग बटा पदों की कुल संख्या, चूंकि दो वेग हैं तो दो का भाग देंगे, तीन वेग रहता तो तीन का भाग देते हैं, चूंकि दो वेग है कौन कौन, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, तो औसत वेग हो जाएगा प्रारंभिक वेग अंतिम बटा में दो इनटू समय का संकेत क्या होता है टी, प्रारंभिक वेग का संकेत हो गया यू, अंतिम वेग का संकेत हो गया वी अपन टू इनटू थ्री। यू प्लस वी बटा दो किस लिए आया, दो को इसलिए लाया गया क्योंकि वेग की संख्या दो है, एक प्रारंभिक वेग है एक अंतिम वेग है, यहीं से सिद्ध करना होगा, इसको याद कर लेना है कि कुल चली गई दूरी एस बराबर औसत वेग गुणे समय। आई लैंग्वेज इसको लिख लेना है कि माने किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग यू है, टी समय पर अंतिम वेग क्या हो जाता है, वी हो जाता है। अब देखेंगे चूंकि सिद्ध करने में क्या क्या आना चाहिए, एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, भी नहीं आना चाहिए, भी को हटाना है, तो हम सूत्र पढ़े हैं भी बराबर यू प्लस एटी, यहां मान रख देंगे, हो जाएगा एस बराबर यू, भी की जगह पर भी बराबर हो जाएगा यू प्लस एटी इंटू टी अपॉन टू। यही लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण क्या है, भी बराबर यू प्लस एटी, यही मान यहां रखा गया क्योंकि
सिद्ध करने में हमको लाना चाहिए यूटी प्लस एक बटा दो एटी स्क्वायर, इसमें भी नहीं आना चाहिए। तो भी की जगह पर क्या रख देंगे, यू प्लस एटी। यहाँ भी की जगह पर रख दिए गति के प्रथम समीकरण से भी बराबर यू प्लस एटी, यहाँ रख दिए हो जाएगा एस बराबर यू यू मिलकर हो जाएगा टू यू प्लस एटी अपान टू। आइए सामान्य के लिख दिए गति के प्रथम समीकरण से भी बराबर यू प्लस एटी, यहाँ मान रखा गया एस बराबर हो जाएगा गुणा करेंगे तो हो जाएगा टू यू टी प्लस एटी स्क्वायर, टू यू में टी के गुणा टू यू टी प्लस एटी स्क्वायर अपान टू। इसको सजा लीजिए, अलग अलग लिख लीजिए, टू यू टी बटा दो होगा प्लस एटी स्क्वायर बटा दो हो गया, एस बराबर टू से टू क्या हो गया कैंसिल, यू टी सूत्र बन गया एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर प्रूफ। दो समीकरण प्रूफ हो गया। दूसरा इसको सिद्ध करने के लिए पुनः शुरू से देख लिया जाए, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, t समय पश्चात अंतिम वेग v होता है, इसलिए एक याद करना है कुल चली गई दूरी s इज इक्वल टू औसत वेग गुणित समय, क्योंकि वेगों की संख्या दो है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा में दो, दो से क्यों भाग दिया गया क्योंकि वेग कितने दो है, इनटू t v प्लस u प्लस v, प्रारंभिक वेग का संकेत u है, v हो गया अपान टू। अब यहां देखेंगे कि चूंकि सिद्ध करने में क्या आना चाहिए, s बराबर ut प्लस हाफ t, सो v आना ही नहीं चाहिए। तो भी बराबर हम जानते हैं कि भी बराबर होता है u प्लस at गति के प्रथम समीकरण से, तो हो जाएगा t u u 2 u at into t, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 u में t का 2 ut at स्क्वायर अपन 2, इसके बटे में लिखिए और इसके बटे में लिखिए, 2 से 2 कैंसिल ut हो गया प्लस 1 बटा 2 at स्क्वायर। इस प्रकार गति का दूसरा समीकरण प्रूफ हो गया, गति का दूसरे समीकरण का सत्यापन हो गया, दो समीकरण हो गया, पहला सिद्ध हो गया और दूसरा सिद्ध हो गया, बचा तीसरा। इसको भी देख लेते हैं, एक वीडियो में तीनों समीकरण को हम कंप्लीट कर देंगे, जो छात्र इसको देखे समझे, जो नहीं है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर दे, उसको नहीं समझ में आएगा तो पुनः वीडियो बना के डाला जाएगा। गति का तीसरा समीकरण को देख लिया जाए, प्रमाण या सत्यापन, गति का तीसरा समीकरण क्या है इसको देख लिया जाए, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू, देखने में पता चलता है कि पहला समीकरण है दोस्त तीसरा है, पहले का वर्ग रूप में है, तो पहले लिखिए गति, पहले गति का तीसरा समीकरण का सत्यापन, हमको सिद्ध क्या करना है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस लाना है, सबसे पहले इसमें याद करना है, कुछ चीजों को याद भी किया जाता है, रिमेम्बरिंग पॉइंट है कि इसको लिख लेंगे गति का समीकरण, क्योंकि हमको लाना है दो बार इसी का दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो लिखिए गति का पहला समीकरण लिख लेना है पहले, वी बराबर यू प्लस एटी, ये गति का कौन समीकरण है, प्रथम समीकरण से इसको लिखिए, क्योंकि हमको लाना है दो घात, दो घात तीसरा सिद्ध करने में क्या लाना है, दो घात, दो घात कैसे आएगा जब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, या वर्ग करने पर लिखेंगे दोनों पक्षों का, गति का पहला समीकरण को लिखिए और लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि हमको सिद्ध करने में लाना है दो घात, देखिए पहला समीकरण भी बराबर यू प्लस एटी, अब यहां लाना है दो घात, इसका वर्ग करेंगे तभी ना दो घात आएगा, इसलिए लिख लिए कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब लिखिए वर्ग कर, एक वर्ग किया जाए फिर हो जाएगा वी स्क्वायर यू प्लस एटी। बहुत लड़के गलती क्या करते हैं कि इसको वी स्क्वायर लिख देंगे, इसको ए स्क्वायर टी स्क्वायर, 100% गलत, इसको लिखना होगा यू प्लस एटी का होल स्क्वायर, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का फॉर्मूला होता होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, उस पर तोड़ना होगा इसको, हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर पहले पद का स्क्वायर यू स्क्वायर, दूसरे पद का स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस टू यू एटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस टू यू एटी, हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यू स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस टू यू एटी, वी स्क्वायर बराबर, अब देखेंगे इसको थोड़ा सजा लें, इसको पहले लिख दे इसको बाद में, टू यू और हमको सिद्ध क्या करना है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, यू स्क्वायर आ गया, लाना है टू ए एस लाना है, तो टू ए को पहले देखा जाएगा यहाँ टू ए है कि नहीं, तो टू ए तो कॉमन है, कॉमन कर लिया जाएगा,
बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस इसमें टू एक और ही कॉमन। कॉमन करना मतलब होता है भाग देना, कॉमन करना मीन्स क्या होता है भाग देना। तो कॉमन किया मतलब भाग देना, इसमें दोनों में से टू ए कॉमन कर ली, इसलिए कॉमन किया गया क्योंकि हमको सिद्ध करने के लिए क्या लाना है टू ए एस लाना है। तो पहले टू ए कॉमन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ भाग दे रहे हैं, पहला क्या है टू यू ए टी, बताइए टू यू ए टी अपान टू ए, टू से टू कैंसिल ए से कैंसिल, क्या बचा यू टी, यहाँ बचा यू टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, लिखिए ए स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन मतलब भाग देना, टू ए कॉमन है तो टू ए का भाग दीजिए, ए स्क्वायर से ए कट गया एक तो क्या बचा ए टी स्क्वायर अपन दो, क्या लिख सकते हैं एक बटा दो ए टी स्क्वायर। यही थोड़ा रिमेम्बरिंग पॉइंट है, इसको ध्यान देना, इसमें टू ए कॉमन कर लिए, टू ए कॉमन कर लिए तो यू टी बचा, आई इसमें टू ए कॉमन करेंगे तो टी स्क्वायर टू ए कॉमन कर लिए भाग दिए, ए स्क्वायर से एक ही कट गया एक ही बचा ए टी स्क्वायर अपन टू। थोड़ा बारीकी से इसको समझ लेना है। अब देखिए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए, ए किसका वैल्यू है एस की वैल्यू है। देखिए गति के दूसरे समीकरण से क्या लिखिएगा, गति का दूसरा समीकरण से, गति का दूसरा समीकरण क्या कहता है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर, यहीं से हम यहाँ वैल्यू पुट कर दिए। देखिए यूटी प्लस हाफ एट यहाँ लिखना पड़ेगा गति के दूसरे समीकरण से, इसके लिए आप एस लिख दिए तो सिद्ध भी हो गया वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस, गति का तीनों समीकरण प्रूफ हो गया। देखिए पहला समीकरण होता है वी बराबर यू प्लस एट ए, दूसरा होता है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर, तीसरा होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, तीनों का प्रूफ हो गया। तीसरे देखिए तीसरा का प्रमाण कैसे लिखा जाएगा वी बराबर यू प्लस एट ए, लिखने दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि लाना है यहाँ वी स्क्वायर, वी स्क्वायर आ गया हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर यू स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर और टू यू ए टी, टू यू ए टी ठीक है। अब वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस इसको थोड़ा पहले टू यू ए टी लिख लिए और ए स्क्वायर टी स्क्वायर ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए, इस दोनों में क्या कॉमन है टू ए, इसलिए कॉमन किया गया क्योंकि सिद्ध करने में क्या लाना है टू ए, यस पर टू ए कॉमन कर लिया गया। अब कॉमन करना मतलब होता है भाग देना, कॉमन करना मतलब भाग देना, टू यू ए टी लिखेंगे अपॉन टू ए, टू से टू कैंसिल ए से ए कैंसिल तो क्या बचा यू टी बचा, यू टी लिख लिए इसमें देखिए ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ए स्क्वायर टी स्क्वायर टू ए कॉमन ए से ए कैंसिल, एक ए टी स्क्वायर बचा अपॉन टू, ए टी स्क्वायर बटा टू हो गया, वी स्क्वायर प्लस टू ए, एक इसकी वैल्यू है एस की, गति के दूसरा समीकरण लिख दिया है यार यस, तो वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर प्लस टू एस, इस प्रकार तीनों समीकरण क्या हो गया प्रूफ हो गया। संकेतों का अर्थ समझ लिया जाए, वी को बोला जाता है अंतिम वेग, यू को प्रारंभिक वेग, ए से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है त्वरण, टी से टाइम, टाइम मतलब समय, एस चली गई दूरी, यू होता है प्रारंभिक वेग, टी होता है समय, ए से होता है एक्सेलरेशन, टी से होता है टाइम, वी से होता है अंतिम वेग, यू होता है प्रारंभिक वेग, ए होता है त्वरण, एस होता है चली गई दूरी। इस प्रकार तीनों समीकरण का सत्यापन हो गया, वी बराबर यू प्लस एटी पहला समीकरण हुआ, दूसरा समीकरण क्या होगा एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हुआ, और तीसरा समीकरण होगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, इस प्रकार तीनों समीकरण का प्रूफ किया गया। अब इसका भी होमवर्क दे रहे हैं, इसको भी सॉल्व करके इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। भी बराबर यू प्लस एटी में कैसा समीकरण है, तो भी बराबर यू प्लस एटी पहला गति का न्यूटन गति का पहला समीकरण है, में ए क्या है, ए क्या है इसका विस्तृत कमेंट सेक्शन में ये लीजिएगा। भी बराबर यू प्लस एटी में जैसे भी होता है अंतिम पे, यू प्रारंभिक वेग और टी होता है टाइम, उसी प्रकार ए क्या है उसके बारे में उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, चैनल अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।